खनिज अधिकारी पर एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करना महंगा पड़ गया है। खनिज अधिकारी पत्रकार के साथ थाने के अंदर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज कर रहे थे, जो थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद मामला बड़े अधिकारियों की संज्ञान में आया और खनिज अधिकारी पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पत्रकार सूर्य प्रकाश खरे से प्रभारी खनिज अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया था, मारपीट और गाली गलौज भी की थी। पूरा मामला देहात थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो खनिज अधिकारी के खिलाफ बड़ा सबूत बनकर सामने आया। कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुआ है कि किस तरह से खनिज अधिकारी पत्रकार के साथ थाने के अंदर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज कर रहा था। एक और वीडियो भी खुद खनिज अधिकारी द्वारा बनाया गया था, वो भी वायरल हुआ है, जिसमें खुद खनिज अधिकारी कार में बैठकर पत्रकार को सड़क पर डंडा लेकर गाली गलौज कर रहे हैं और अपनी गाड़ी से पत्रकार को आगे नहीं निकलने दे रहे हैं। सारे मामले को कलेक्टर और एसपी ने संज्ञान में लेते हुए सीसीटीवी कैमरे और फुटेज कॉल डिटेल्स के आधार पर अधिकारी पर 294/323 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। देहात थाना टीआई ने बताया कि इससे पूरी गलती खनिज अधिकारी की है, जो शुरू से ही अपने क्रियाकलापों के चलते विवादों में रहे हैं। सारी जांच करने के बाद उन पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि खनिज अधिकारी अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं, मगर मीडिया से बच रहे हैं। ये 14 तारीख की सवेरे 8:30 बजे की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें ये अपने पत्रकार महोदय हैं सूर्यकांत खरे, ये अपने किस प्लांट से आ रहे थे उस इलाके से, वहीं पर एक डंपर को खनिज अधिकारी श्री प्रशांत तिवारी उसको पकड़ने का प्रयास और रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय पत्रकार के नाते इन्होंने एक कि ये अधिकारी कर क्या रहे हैं और उसकी कार्य प्रणाली उन्हें मौके पर संदिग्ध भी लगी, इसलिए उन्होंने जो है ये कार्रवाई को अपने मोबाइल पे कवरेज किया। तो अगर अधिकारी निष्पक्ष और नेक नीति से कार्य कर रहा होता तो वास्तव में उन्हें फुटेज लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। ये अभी तक की ये जांच में आया है कि उनके पहले भी जो है ऐसी कुछ एक आध दो घटनाएं आ चुकी हैं। अगर कोई भी अधिकारी हो, यदि निष्पक्ष और ये पारदर्शिता से कार्य करेगा, तो कोई भी पत्रकार फुटेज बनाए या वीडियो बनाए उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए थी। और इसी क्रम में वो डंपर को भी थाने तक लाए और पीछे पीछे पत्रकार भी आ गए और अपने कार को दबाने के लिए उन्होंने इतना शासकीय सेवक होने के नाते और इतना बड़ा अधिकारी पद पर होते हुए भी थाने के अंदर क्रोधित होकर पत्रकार जी से उन्होंने अभद्रता भी की, कॉलर भी पकड़ा और जो है उन्हें ज़मीन पर बैठने के लिए बाध्य किया, गाली गलौज भी किया, जिसकी जांच हम लोगों ने की है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने पूरी जांच से अवगत कराया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।